बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। तो दोस्तों, मैंने अपनी गाड़ी पे दो सोलर पैनल जो हैं उनको लगा दिया हुआ है, और पीछे इसके मैंने जो ये ऑटो रिक्शे के इंजन को और ऑटो रिक्शे का जो फ्रेम है उसको साथ में लगाया था, तो फ़िलहाल मैं इसको उतारने लगा हूँ। इंजन को मैंने खोल लिया है, इसको उतार के मैं इसको अलग कर दूँगा, क्योंकि मैंने ये गाड़ी सिक्स व्हीलर बनाई हुई थी। अभी मैं इसको सिर्फ चार व्हील्स पे जैनवन चलाऊंगा। सोलर दो इस पे पैनल लगाए हैं, और इसके करंट को मैं दूंगा गाड़ी का जो फ़ैन है और गाड़ी का जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए मैं इसका करंट यूज़ करूंगा। तो फ़िलहाल ये फ्रेम जो है ऑटो रिक्शे का उसको मैं उतारने लगा हूँ। ऑटो रिक्शे के इंजन वगैरह सब कुछ को अलग करके मैं फ़िलहाल सिर्फ फोर व्हील पे गाड़ी को चलाऊंगा, और फिर इसकी फ्यूल एवरेज हम चेक करेंगे किस कदर ये हमें फ्यूल माइलेज एक लीटर में ये गाड़ी देती है, और सोलर पैनल के लगाने पर और गाड़ी से पंखे का राउंड अबाउट 10 एम्पेयर लोड डीसी 12 वोल्ट पे ले लेता है इसका गाड़ी का जो पंखा है, और प्लस 5 से 6 एम्पेयर इसकी जो बैटरी होती है वो लेती है चार्जिंग के दौरान। तो उन दोनों चीज़ों का लोड हम इन सोलर पैनलों पे डाल देंगे और इंजन हमारा फ्री हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारी ओनली गाड़ी को पुश करने के लिए और पुल करने के लिए इस्तेमाल होगा, और गाड़ी को मूव करेगा उससे ये लोड हट जाएगा, तो फिर हम उसकी एवरेज चेक करेंगे। फ़िलहाल मैंने ये इसका जो साथ में अटैच किया था जो इसको सिक्स व्हीलर बनाने के लिए, उसको खोल दिया है। खोल के मैं इसका फ्रेम अलग करने लगा हूँ। फिर मान लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।